हे दोस्तों, आप लोगों ने वी फोर जो आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि एशियन पेंट की तरफ से आता है। इसका नाम है इजी CRA फ्रोस्ट स्प्रे। तो भाई ये प्रोडक्ट कुछ लोगों के लिए बहुत ही काम का हो सकता है जिन लोगों के घर में कांच की विंडो है। तो होता क्या है, जब धूप की रोशनी आती है तो और दोपहर का समय होता है तो धूप की रोशनी तो आती है लेकिन साथ में एक धूप का बहुत तेज निशान बन जाता है। तो कुछ लोग चाहते हैं कि रोशनी तो आए लेकिन वो धूप का तेज निशान हमारे घर के अंदर ना बने, तो ये स्प्रे उसी चीज़ को कंट्रोल करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी को टेस्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से सनलाइट को कंट्रोल करता है और कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो चलिए फटाक से उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये ग्लास की शीट लेके आया हूँ, इसके आधे हिस्से पे मैं ये स्प्रे पेंट कर दूंगा और आधे हिस्से को यूं ही पड़ा रहने दूंगा और फिर इस ग्लास की सीट को धूप के पास ले जाऊंगा और आपको मालूम चल जाएगा कि कितनी अच्छी तरीके से धूप को कंट्रोल कर रहा है। तो एक तो टेस्टिंग ये होगा, उसके बाद हम दूसरी टेस्टिंग करेंगे रियल विंडो में जो कि मेरे रूम में लगी हुई है और तब हम लोग देखेंगे रोशनी में कितना फर्क आता है। वैसे मैं आपको इस प्रोडक्ट के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं, अमेजोन की भी फ्लिपकार्ट की भी। ठीक है, तो चलिए टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे इसका तरीका दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी सरफेस को साफ करना होगा। तो कांच की सरफेस है, हम लोग कोले वगैरह का यूज़ करके अपनी सरफेस को अच्छी तरीके से साफ कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से सेक करना है और 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी से स्प्रे करना है। हम लोग चाहें तो किसी छोटी सरफेस पे पहले एक सैंपल के तौर पर टेस्ट कर सकते हैं इसे कि हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल सरफेस पे लगाने से पहले, ताकि कोई गलती ना हो। उसके बाद जिस जगह पे नहीं लगना चाहिए उसकी हम लोग मास्किंग कर लेंगे मास्किंग टेप की मदद से, और 2-3 कोट को लगाना है और हाँ, हर एक कोट के बीच में 4 से 5 मिनट का डिफरेंस रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फाइनल कोट जो है ना लगा के 48 घंटे के लिए छोड़ देना है सरफेस को यूज़ करने के लिए, और इसे कैसे क्लीन करना है बाकी का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, और 24 महीने इसकी एक्सपायरी डेट है। तो हम लोग इस विंडो पर भी लगाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज धूप आ रही है और ये कुछ धूप के निशान और ये रोशनी के तेजी के निशान यहाँ पे कुछ ऐसे बन रहे हैं। हम लोग इसे लगाने के बाद देखेंगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ग्लास शीट पर टेस्ट करने के लिए इसके आधे हिस्से की हम लोग मास्किंग कर लेते हैं। तो अब मैं इस ग्लास शीट पे अप्लाई करता हूँ पहली कोट। हो गई पहली कोट। तो देखो पहले ही कोट में काफी असर दिखने लगा है, तो दूसरी कोट तीसरी कोट भी इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो तीसरा कोट, तो फाइनली ग्लास शीट सूख गई है। इसका मास्क हटा कर देखते हैं कैसा अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस ग्लास शीट में बहुत सही लगा है, कितना परफेक्ट लगा है ये देखो, एकदम जबरदस्त। और ये वाला हिस्सा देखो, तो देखते हैं कितना अंतर आता है धूप की रोशनी में। तो जी हाँ, ये देखो इसने धूप को ब्लॉक कर दिया, अब आप लोग साफ साफ देख सकते हैं इसने कम्प्लीटली धूप को ब्लॉक कर दिया। हालांकि रोशनी आ रही है, ट्रांसपेरेंट हिस्से ने धूप को ब्लॉक नहीं किया लेकिन उस वाले हिस्से ने धूप को ब्लॉक कर दिया, साफ साफ आपको परछाई के तौर पर दिख रहा है। तो ये चीज़ बढ़िया काम कर रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, है ना मस्त। तो दोस्तों अभी मैंने इस पे पहली कोट अप्लाई करी है, वो कहीं कहीं पे रह गया है पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे रोशनी काफी कंट्रोल में हुई है। अभी 2 कोट और लगाना बचा है और जो रोशनी यहाँ पे काफी तेज थी आप लोग देखो पहली कोट में थोड़ी कम पड़ गई है, तो बाकी की 2 कोट भी मैं अप्लाई करूंगा 4-5 मिनट के अंतराल में। ठीक है, तो दोस्तों इसको अप्लाई करते समय बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा जो कि ये थी कि इसके ऊपर का जो स्प्रे वाला पार्ट होता है ये ब्लॉक हो गया, इससे स्प्रे आना ही बंद हो गया पता नहीं क्यों। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास एक पुराना स्प्रे पेंट का कैन पड़ा था, इसके ऊपर का ये वाला हिस्सा लगा दिया और कुछ टाइम बाद एक ही स्प्रे के बाद ये भी ब्लॉक हो गया, मतलब हद है, ये वाला भी ब्लॉक हो गया। अब मैं क्या करता, तो मेरे पास एक परफ्यूम का पड़ा था तो मैंने नए परफ्यूम का तोड़ के ये लगा दिया, तो इससे थोड़ा काम चल पाया। पता नहीं क्यों क्या समस्या है कि ये तुरंत का तुरंत ब्लॉक हुए जा रहे हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फाइनली अब ये जुगाड़ वाला भी ब्लॉक हो गया, देखो स्प्रे नहीं निकल रहा,
बहुत मुश्किल से फुस फुस कर रहा है, मैं पूरा प्रेस किया हूँ लेकिन नहीं निकल रहा, सब गड़बड़ा गया। तब इसके अंदर काफी मात्रा में स्प्रे बचा हुआ है। और दोस्तों बात करी जाए खिड़की की, तो खिड़की पे लगाते लगाते ही इसका आगे का स्प्रे वाला पार्ट जाम हो गया, लेकिन फिर भी 3 परतें मैंने इस पर लगा दी हैं और काफी हद तक धूप अब कंट्रोल में आप लोग देख सकते हैं पहले के मुकाबले। और यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में लगभग 90% की रोशनी तेज वाली कम हो गई, लेकिन फिर भी जहां जहां पे बच गया है, कहीं कहीं पे कुछ हिस्सा बच गया है, वहां वहां से रोशनी अभी भी आ रही है। तो लगाते समय थोड़ा परफेक्शन का ध्यान रखना है, अगर परफेक्ट तरीके से लगाएंगे तो ये वाली कमी भी दूर हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा ये प्रोडक्ट काफी सही काम कर रहा है। तो दोस्तों फाइनल कोट लगाने के बाद अब हमें 48 घंटों के लिए छोड़ देना है, कुछ भी छूना नहीं है, नहीं तो इसके छूट जाने का या फिर निकल जाने का खतरा होगा। 48 घंटे बाद हम लोग शायद इसे धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कुछ भी देखा इस वीडियो में, अपनी आंखों के सामने लाइव देखा कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट ने धूप को ब्लॉक किया, आपके काम का है या नहीं है। और एक कैन में लगभग जितनी बड़ी खिड़की मैंने की उतनी बड़ी खिड़की हुई, ये वाला हिस्सा हुआ और शायद इतना हिस्सा और हो सकता है जितना कि इसमें बचा हुआ है। तो भाई आपको प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। अगर बात करें इसके फील की तो यहाँ पे काफ़ी खुरदुरा फील आ रहा है, काफ़ी रफ फील आ रहा है। तो भाई अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसको भी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसे इस वीडियो को शेयर करना। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ एक चीज़ तो भूल ही गया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बाय बाय।